हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज के स्टडी में हम हॉस्टल वायरिंग कनेक्शन सीखने वाले हैं। तो हॉस्टल वायरिंग कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम यह सीख लेते हैं हॉस्टल वायरिंग कनेक्शन की वर्किंग किस तरह से होती है या हमारा कनेक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज के स्टडी में हम तीन बल्ब को कंट्रोल करने वाले हैं। यदि आपके पास और भी लोड या और भी कोई बल्ब है तो आप इसमें आगे ऐड करके इसी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली इस कनेक्शन की वर्किंग क्या होती है पहले हम यह समझ लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, जितने भी लोड होते हैं उन सभी लोड को ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास इंडिविजुअली स्विच होते हैं। जैसे कि यह लोड है, इस लोड को ऑन ऑफ करने के लिए हम यह स्विच को यूज करने वाले हैं, इस लोड को ऑन ऑफ करने के लिए हम यह स्विच यूज करने वाले हैं, और इस लोड को ऑन ऑफ करने के लिए हम यह स्विच ऑन यूज करने वाले हैं। अब हमारे पास सपोज कोई कंट्रोल रूम है या हम कह सकते कोई वार्डन रूम है, जहां से हम चाहते हैं जितने भी लोड है सभी लोड को एक साथ हम ऑन कर सके और एक साथ ऑफ कर सके। तो इसके लिए इस मास्टर स्विच का या मेन स्विच का कनेक्शन किस तरह होगा हम सीखने वाले हैं। जब भी हम इस स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे, ऑन करते हैं तो हमारे सारे लोड एक साथ ऑन हो जाएंगे, फिर हम यहां से इंडिविजुअली ऑन करें या ऑफ करें कोई मतलब नहीं रहेगा। जस्ट हमने से यदि मेन स्विच से ऑन कर दिया है तो हमारे सारे लोड ऑन हो जाएंगे, और यहां से हम ऑफ कर देते हैं तो ऑफ करने की कंडीशन में हम जिस लोड को चलाना चाहे इंडिविजुअली चला सकते हैं। तो चलिए वर्किंग समझने से पहले हम अब इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जितने भी लोड होने वाले हैं इन सभी लोड के लिए हम टू वे स्विच यूज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं टू वे स्विच है। जब स्विच की पोजीशन हम बीच में सप्लाई कनेक्ट करते हैं, जब स्विच की पोजीशन इस तरह से होती है यहाँ पे कनेक्ट होती है, इस तरह से होती है यहाँ पे कनेक्ट होती है, और जो मास्टर स्विच लेने वाले है वो सिंगल वे स्विच हम यहाँ पे यूज कर रहे है। इसके अलावा हमने क्या किया है, जितने भी हमारे पास बल्ब है सभी में न्यूट्रल को कॉमन कर दिया है। देखिए न्यूट्रल यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तीनों बल्ब में न्यूट्रल हमने कॉमन कर दिया है। जैसा कि किसी भी लोड को चलने के लिए फेज और न्यूट्रल की जरूरत होती है, तो यहाँ पे एक एक वायर बचा हुआ है जिनका कनेक्शन हमें करना है। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं किस तरह हॉस्टल वायरिंग कनेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास जितने भी बल्ब है इन सभी में हमें एक एक कनेक्टर कनेक्ट करना होगा। चलिए इस तरह से जितने भी आपके पास बल्ब है, तीन लोड चार लोड, सभी में आपको टॉप से टॉप एंड बॉटम से बॉटम एक एक कनेक्टर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ हम पहले टॉप से टॉप में एक एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं। आपके पास जितने भी बल्ब है सभी में आपको कनेक्ट करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए हम यहाँ से टॉप में टॉप कनेक्ट किया है, इसी तरह बॉटम से बॉटम में एक कनेक्टर हमें और कनेक्ट करना होगा, तो हम वह भी कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए बॉटम में एक वायर हमने कनेक्ट किया है और यहीं से हमें जो दूसरा वाला टू वे स्विच है इसके बॉटम में भी एक वायर को कनेक्ट करना है, तो हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब आपको आगे हमारे पास एक स्विच और है, तो इसमें भी कनेक्टर इसी तरह से हम टॉप से टॉप एंड बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए तीनों स्विच में टॉप से टॉप एंड बॉटम से बॉटम लूपिंग को हमने कंप्लीट कंट्रोल कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जिस स्विच से जिस बल्ब को कंट्रोल करना है उसका जो वायर है बीच में हमें स्विच के लोड में कनेक्ट कर देना है। इस स्विच से हमें इस बल्ब को कंट्रोल करना है तो इसका जो फेज वाला वायर है इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा वाला स्विच है, दूसरे वाला स्विच को हम इससे कंट्रोल करने वाले हैं दूसरे वाले बल्ब को, तो इसका जो वायर है हमें इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, तो हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। आप जिस स्विच से जिस बल्ब को कंट्रोल करने वाले हैं उसका जो एक वायर बचा हुआ है, एक में तो हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है, दूसरे वाले वायर को उस टू वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दीजिए। अब इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं तीनों बल्ब का जो दूसरा वाला वायर है हमने तीनों टू वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, मास्टर स्विच का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम सीख लेते हैं। चलिए अब मास्टर स्विच का कनेक्शन किस तरह से करना होगा, तो मास्टर स्विच में जो हमारे पास एमसीबी से जो फेज वाला वायर आ रहा है इसे हमें जो सिंगल वे स्विच है इसके सेंटर इसके नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट करना होगा, और यहीं पे हम एक और कनेक्टर कनेक्ट कर रहे हैं जो कि नीचे की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं। जहां पे फेज आ रहा है वहीं पर हमने इस कनेक्टर को कनेक्ट किया। इसके कनेक्शन किस तरह होगा, वर्किंग किस तरह होगी ये हम समझने वाले हैं। देखिए हमने क्या किया है, नीचे फेस कनेक्ट किया है और वहीं पे एक कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है। अब जो कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है उसका जो दूसरा वाला सिरा होगा उसे आपको टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। तो उससे क्या होगा, जब आपका फेस जो आ रहा है आपके सिंगल वे स्विच में, तो वहां से आपका जो फेस होगा डायरेक्ट आपके सभी टू वे स्विच में नीचे की तरफ आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, जितने भी टू वे स्विच है या जितने भी हमारे पास स्विच है सभी में नीचे की तरफ हमारा फेज आ रहा है। हम इस सिंगल वे स्विच को ऑन करें या ऑफ करें सभी में फेज हमारा नीचे की तरफ आ रहा है।
अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, सिंगल वे स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो यहां पर सप्लाई आएगी। तो यहां पर हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाके हम जो हमारा दूसरा टू वे, जो पहला टू वे स्विच है जहां पे हमने सभी लूपिंग को कनेक्ट किया है, इसके टॉप में इसे कनेक्ट कर देना है। तो चलिए पहले हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, फिर किस तरह वर्किंग होगी यह भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए हमारे फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारे एमसीबी से न्यूट्रल आ रहा है, इस न्यूट्रल को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब देख सकते हैं इसका हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसकी वर्किंग किस तरह से होगी हम पहले समझ लेते हैं। क्या होगा जब सभी स्विच हमारे ऑफ रहेंगे, तो ऑफ की कंडीशन में सभी जगह पे हमारा फेज आ रहा है, ठीक है, न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है। अब जैसे ही हम इस मास्टर स्विच को ऑन करते हैं तो सभी जगह फेज ऊपर की तरफ भी आ जाएगा और नीचे की तरफ भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे जितने भी बल्ब हो गए वे सभी ग्लो हो गए, ठीक है। अब जब हम इस मास्टर स्विच को ऑफ कर देंगे तो ऑफ करने की कंडीशन में क्या होगा, सभी नीचे की तरफ फेज आ रहा है। अब हम जिस एक स्विच को इंडिविजुअली ऑन करेंगे तो जो जिसका कनेक्शन यहाँ पे होगा तो इससे फेज इससे मिल जाएगा, जिसका कनेक्शन नीचे की तरफ होगा उससे फेज यहाँ मिल जाएगा, जिसका कनेक्शन नीचे होगा उसका फेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो सभी लोड हमारे इंडिविजुअली ऑन हो गए। चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली ऑपरेट करके देख लेते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकली ऑपरेट करके देख लेते हैं किस तरह हमारा कनेक्शन वर्क कर रहा है। देखिए जैसे ही हम इस स्विच को ऑन, इस बल्ब को ऑन करना चाहेंगे तो यहाँ से ऑन हो जाएगा, यहाँ से ऑफ हो जाएगा। इसे इंडिविजुअली ऑन ऑफ करना चाहेंगे तो इंडिविजुअली ऑन ऑफ हो जाएगा। इसे ऑन ऑफ करना चाहेंगे तो ये भी इंडिविजुअली ऑन ऑफ हो जाएगा। अब यदि हम मास्टर स्विच से ऑन करते हैं, हमारे जो मेन स्विच है जो कि कंट्रोल रूम में कनेक्ट है, इसे हम यदि ऑन कर देते हैं तो हमारे सारे बल्ब ऑन हो जाएंगे। अब यहां से हम इसे इंडिविजुअली कितना भी ऑन ऑफ करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक हम मास्टर को ऑफ ना कर दे। जैसे ही मास्टर को ऑफ कर देंगे तब हम किसी भी लोड को इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसे भी हम इंडिविजुअली ऑन ऑफ करना चाहे। बट यदि हमने एक बार मास्टर से ऑन कर दिया है फिर हम इसे इंडिविजुअली ऑन ऑफ नहीं करना कर पाएंगे, क्योंकि सारे लोड हमारे ऑन ही रहेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह मास्टर स्विच कनेक्शन किया जाता है, किस तरह ये वर्क करता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।